हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश वेलनेस पे। आयुर्वेदा न्यूट्रिशन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, साथ ही साथ बतलाऊंगा आयुर्वेदा से जुड़े हुए कुछ मिथ्स। जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। नंबर वन, घी। आयुर्वेदा में घी का इस्तेमाल हजारों सालों पहले से होता आ रहा है। नॉर्मली लोग घी के बारे में क्या सोचते हैं, इसकी वजह से मेरा वजन बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, पर एक्चुअल में घी इसके बिल्कुल ऑपोजिट करता है। आपके शरीर में जो टॉक्सिन है, अगर मैं आयुर्वेदिक टर्म में कहूँ तो अमा, वो बाय नेचर ऑयली होता है और चिपचिपा सा होता है, और घी का नेचर भी ऑयली है और चिपचिपा है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के अच्छे सॉल्वेंट हैं और दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स होकर के वो आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। बेसिकली अगर आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहा है तो उल्टे ये आपको वेट लूज में हेल्पफुल होगा, साथ ही साथ आपको कोलेस्ट्रॉल में भी फ़ायदा दिलाएगा। सो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि अगर आप घी खा रहे हो तो जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ेगा या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, उल्टे इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। नंबर टू, जिंजर। आयुर्वेदा में डाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, इसीलिए खाना खाने से पहले जिंजर खाने को कहा जाता है, ताकि आपका डाइजेस्टिव फायर स्टिमुलेट हो। जो आपकी अग्नि मंद पड़ी हुई है, जो आपकी जठराग्नि मंद पड़ी हुई है, वो पहले तीव्र हो खाना खाने से पहले। इसके लिए लोग अदरक खाने को कहते हैं, चाहे तो आप सिर्फ अदरक ले सकते हो, उसके साथ नींबू और नमक मिला के भी आप खा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके घर पे क्या कुछ अवेलेबल है। आप जान के थोड़ा सरप्राइज होंगे कि कुछ जापानीज इस चीज़ का इस्तेमाल अपने कंट्री में कर रहे हैं, कि वे खाना खाने से पहले अदरक का इस्तेमाल करते हैं, वे इसकी वैल्यू करते हैं, वो उनके डेली के लाइफ स्टाइल में ऐसा आ चुका है, लेकिन हम इंडियंस ही इसकी वैल्यू को समझ नहीं रहे। नंबर थ्री, सीज़न। आपका जो ईटिंग पैटर्न है, आप किस तरह के फूड को खाते हैं, वो सीज़न के हिसाब से बदलना चाहिए। अभी आपको सुनने में अचानक सा प्रैक्टिकल सा ना लगे, क्योंकि आयुर्वेदा में सब मिला के टोटल 6 सीज़न बतलाए गए हैं। अब आप हर 2 महीने के बाद अपना फूड और ईटिंग पैटर्न तो नहीं बदल सकते, आपको थोड़ा बहुत ही बदलाव करना होता है। अगर आज आप एक अच्छे सुपरमार्केट में जाते हो तो वहाँ पे फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, सारी चीज़ें पूरे साल अवेलेबल है, बल्कि उस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सीज़न हो या ना हो। लेकिन आपको फूड खाना चाहिए, आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खास करके आपको खाना चाहिए सीज़न के अकॉर्डिंग, कि कौन से सीज़न में कौन से वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो रहे हैं। बेहतर होगा कि आप लोकल मार्केट से सब्जी और फल लें। सीज़न के अनुसार आपको किस तरह के फूड खाने चाहिए, आपका ईटिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, किस तरह के बदलाव लाने हैं आपको खान पान में, इस बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। चाहिए हो तो आपको मुझे कमेंट करके बतलाएं। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो आयुर्वेदा न्यूट्रिशन के बारे में। लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो, मुझे कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसी लगी। मैं आकाश कुमार, मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगले वीडियो में।